गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी पॉइंट। मैं लवली भारद्वाज। मैंने आज की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पेनलेस वैक्सिंग करने का तरीका, जो कि बहुत ही आसान है और साथ ही हर्बल वैक्स के साथ। पेनलेस भी नहीं है और हर्बल भी है, यानी कि आपके स्किन को किसी भी तरीके से हार्म भी नहीं करने वाला। बहुत ही अच्छा वैक्स है और इसे मैंने परचेज़ किया है फेथ एंड पेटेंस के वेबसाइट से, जो कि कैमल मिल्क वैक्स है। आपने इसे कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा होगा, बिकॉज इन दिनों ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और वायरल वीडियोज़ में मैंने जो इसकी यूज़ करने के तरीके और रिजल्ट देखे, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि इसको यूज़ करना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए और साथ ही आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहिए कि इसके रिजल्ट कैसे हैं, आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर ये कोई फ्रॉड वीडियो है ऐसे ही वायरल हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए मैंने इसको परचेस किया है। ये आपको फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन पे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। ये फेथ एंड पेटेंस का अपना वेबसाइट है, वहीं से आपको मिलेगा। ये 100 ग्राम का स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसको खुद से पेमेंट करके परचेस किया है फेथ एंड पेटेंस के वेबसाइट से, जो कि मुझे 690 का पड़ा है। अगर आप COD से पेमेंट करते हो तो 40 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको 650 में मिल जाएंगे। तो ये बजट फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं है। आपको 100 ग्राम के लिए 650 रुपये पे करने पड़ेंगे ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो भी, और अगर COD पे करते हो तो 40 रुपये और ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। बट इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और जिस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो बहुत ही ईजी, आपको किसी की भी हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हो और 10 मिनट में आप रेडी हो सकते हो कहीं भी जाने के लिए। और ये एक हर्बल वैक्स है, तो आप उसको ऑल ओवर फेस पर भी अप्लाई कर सकते हो और बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हो। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है आप उसे भी चेकआउट करना। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो किसी भी तरीके से आपको हार्म नहीं करेंगे। साथ ही ये क्लेम करता है कि डार्क स्किन के को, स्किन पैसेस को और सन टैन के जो वर्न होते हैं उन सारी प्रॉब्लम को भी ठीक करती है। तो चलिए इसको यूज़ करने वाली हूँ मैं पहली बार, और इसके कैसे रिजल्ट आते हैं, कैसे इसको यूज़ करने हैं, वो सब मैं आपको बहुत ही डिटेल से दिखाने वाली हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा वीडियो। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको ये वैक्स परचेस करने हैं तो आप फेथ एंड पेटेंस के वेबसाइट पर जाके परचेस कर सकते हो। आपकी सहूलियत के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी इसको परचेस कर सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए जल्दी से मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है और साथ ही आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करना भी बहुत ही आसान है, इसके रिजल्ट भी बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देख लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से हिट करना, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ओके गाइस, तो ये जो फेथ एंड पेटेंस का कैमल मिल्क वैक्स है, ये क्लेम करता है कि 10 मिनट में आपके बॉडी से सारे बालों को निकाल देगा। इसके जो भी इंस्ट्रक्शंस है, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है, वो सारे इसकी वेबसाइट में मेंशन है। इसको कैसे यूज़ करना है, इसके यूज़ करने के क्या बेनिफिट है, साथ ही इसका प्राइस भी यहाँ पे मेंशन है। इसका प्राइस 650 रुपीज़ मेंशन है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको 650 में मिल जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर करेंगे तो आपको 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। बहुत ही सेफली ये मुझे रिसीव हुआ है। आपको ऊपर से इस तरीके से कट करना है, देन इसमें जीपर सिस्टम है, आप इसको ईजिली ओपन कर सकते हो और इसको यूज़ करना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम इस पैकेट को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। तो इस तरीके से एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में आपको ये कैमल मिल्क वैक्स मिल जाएंगे, जो कि 100 ग्राम की क्वांटिटी में है। इससे ज़्यादा क्वांटिटी में भी ये अवेलेबल है। टोटली अप टू यू है कि आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए। आपको ज़्यादा क्वांटिटी की प्राइस ज़्यादा मिलेंगी। और आप इसको इसके साथ एक स्पैचुला मिल जाएंगे, जिस पे मेंशन है प्लीज़ रिमूव ज्वेलरी, यानी कि अगर आप अपने हैंड पे या फिर पैर पे इसको अप्लाई करने वाले हो उससे पहले आपको अपनी ज्वेलरी को निकाल देना है। अगर आपने रिंग पहनी हुई है, बिछिया, पायल जो भी पहन रखी है उसको निकाल दो इसको यूज़ करने से पहले। ओके, तो अब इसको मिक्स कैसे करना है, किस चीज़ के साथ करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये क्लेम करता है कि आप इसे नॉर्मल वाटर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके घर में रोज़ वाटर अवेलेबल है तो आप रोज़ वाटर के साथ भी इसको मिक्स कर लीजिए। अदरवाइज इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता है। आप अपने बॉडी में यूज़ करते हो उसको, अपने हैंड या फिर पैर में, तो आप उसी के हिसाब से क्वांटिटी रखेंगे। आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए वो आप अपने हिसाब से रखेंगे। ओके, इसको रोज़ वाटर थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके जैसे आप फेस पैक रेडी करते हैं सेम तरीके का, सेम कंसिस्टेंसी में आपको इसको मिक्स करना है। और इसमें ज़्यादा रोज़ वाटर भी नहीं डालना है, बहुत ही थिक और बहुत ही थिन पेस्ट नहीं बनाना है। जैसे आप फेस पैक अपने फेस पैक के लिए रेडी करते हो सेम तरीके से आपको इसको भी रेडी कर लेना है। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना, और मिक्स हो जाने के जस्ट बाद ही आपको इसको अपने बॉडी पे अप्लाई करना है। ओके ओके गाइस, सो मैं इस वैक्स को यूज़ करने वाली हूँ अपने पैर पे और आप मेरे पैर में देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बाल आ चुके हैं और बहुत ही हार्ड भी है। तो आपको अच्छा एग्जाम्पल मिल जाने वाला है कि इस तरीके के बाल को भी ये किस तरीके से निकाल पाता है या फिर नहीं निकाल पाता है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के जस्ट बाद आपको अपने पैरों पर इसको अप्लाई करना है और आप देख सकते हो जिस तरह से हेयर की रूट है उसी सेम वे में मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ। और जिस तरह से हम वैक्स अप्लाई करते हैं या फिर व्हीट स्ट्रिप वैक्स कुछ भी अप्लाई करते हैं उसको हम हेयर रूट में अप्लाई करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में पुल आउट करते हैं। यहाँ भी हम सेम चीज़ें करने वाले हैं, इसको हेयर के रूट में अप्लाई करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में इसको क्लीन करना होता है, वाइप ऑफ करना होता है एक टॉवेल की हेल्प से या फिर किसी भी वाइपर, जो भी क्लींजर आता है फेस क्लींजर टाइप, उसके हेल्प से आपको इसको क्लीन करना है। आप नॉर्मली टॉवेल भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अपने पैर पे अप्लाई किया, अभी टाइम देख सकते हो 4:03 हो रहे हैं। ये क्लेम करता है कि 10 मिनट में आपकी बॉडी से ये सारे हेयर को निकाल देता है। तो मैं वेट करने वाली हूँ 10 मिनट और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा चमत्कार होता है या फिर क्या होता है। वो सारी चीज़ें मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, इसलिए अभी देख सकते हो 4:14 हो गया, यानी कि 11 मिनट हो चुके हैं और ये ड्राई नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम 10 की जगह 20 मिनट रख ले, ताकि कोई डाउट नहीं रहे कि 10 से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रख लिया होता तो शायद सारे बाल निकल जाते। इसलिए मैंने 10 मिनट और छोड़ दिया और मैंने इसको टोटल 20 मिनट के लिए छोड़ा था। अब आप देख सकते हो 20 मिनट के बाद मैं इसको क्लीन करने वाली हूँ। तो ये अभी भी पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं क्लिंजर वाइप्स यूज़ करने वाली हूँ, इसको अच्छे से पानी में गीला कर देना है। अगर आप इसकी जगह टॉवेल भी यूज़ कर रहे हो तो टॉवेल को भी गीला कर दो, सारे पानी को निचोड़ दो और देन ऊपर की तरफ आपको उसको क्लीन करना है, वाइप ऑफ करना है। जैसे वैक्स स्ट्रिप्स को भी हम ऊपर की तरफ पुल आउट करते हैं, सेम तरीके से आपको इसको ऊपर की तरफ वाइप ऑफ करना है। आप देख सकते हो इसका रिजल्ट, ओ माय गॉड, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिला, एकदम से क्लीन हो गया। एक छोटे से बाल भी आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहे होंगे, यानी कि बहुत ही बेस्ट वर्क करता है, एकदम से क्लीन हो गया है ये। और सच बोलता है, ये सही क्लेम करता है कि पैचेस वगैरह भी ठीक करता है, बिकॉज आप देख सकते हो थोड़े बहुत दाग जो थे मेरे पैरों में वो भी ऐसा दिख रहा है कि अब नहीं है, निकल चुका है। मतलब ये बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। आपके सामने मैंने इसको अप्लाई किया है और आपके सामने मैंने वाइप ऑफ किया है, तो आप देख सकते हो ना कितना अमेजिंग सा ये वर्क करता है। और बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना, अपने हैंड में यूज़ करना है, आर्म्स में करना है, बिकनी एरिया में करना है, कहीं भी आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो, आपको किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इसी तरीके से आपको ऊपर की तरफ वाइप ऑफ करना है और बहुत ही ईजिली आपके सारे बालों को लेके निकल जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे वाइप ऑफ करने के बाद मैंने पैर को पानी के हेल्प से क्लीन कर लिया था और आप रिजल्ट देख सकते हो, रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही बेस्ट है ये वैक्स। आप इसको 100% परचेज कर सकते हो, बिल्कुल भी आपके पैसे बेकार नहीं होने वाले, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको और आप बहुत ही खुश हो जाएंगे, बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं बचा है मेरा। आई होप आपके भी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। देख सकते हो कितना ज़्यादा क्लीन हो गया, एक सिंगल बाल आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ही बेस्ट है ये वैक्स। गाइस थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।